नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौर। और ब्रसेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया है और प्रधानमंत्री फिलहाल 3 दिन की विदेश यात्रा पर हैं और 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं और अब फिलहाल वाशिंगटन DC पहुंच चुके हैं विश्व। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रसेल्स में जबरदस्त स्वागत हुआ है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और क्या संदेश दिया ये भी आपको बताते हैं। और विश्व के आर्थिक संकट के दौर में भारत ने नई आर्थिक शक्ति बना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और विश्व में भारतीयों ने अपना प्रधानमंत्री ने ब्रसेल्स में कहा कि आप लोग लोकदूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सारा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ब्रसेल्स में जो आतंकवादी हमला हुआ उस घटना में मारे गए लोगों के प्रति भी सहानुभूति है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत तो पिछले 40 साल से इस आतंकवाद को झेल रहा है। आइए सुनवाते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स में क्या कहा। नमस्ते, मेरा सौभाग्य है आज मुझे लोकदूतों के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला है। हम विदेश में जाते हैं तो राजदूतों को तो मिलते हैं, लेकिन लोकदूतों को मिलना एक सौभाग्य होता है। और सरकार में अगर राजदूत है तो आप भारत के लोकदूत हैं, जो भारत के सांस्कृतिक परंपरा को,
भारत को दुनिया के सामने अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से परिचित करवाते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे सभी ये हजारों लोकदूतों को मेरे नमस्कार। गत सप्ताह ब्रसेल्स में एक भयंकर आतंकवादी घटना घटी। जिन लोगों को अपने प्राण प्रिय स्वजन गंवाने पड़े हैं, उन परिवारों के प्रति मैं आदरपूर्वक अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं। यहां के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं अपने आप में एक लंबे अरसे के बाद इतना बड़ा कांड इस धरती को सहना पड़ा है। आतंकवाद कितना भयंकर है, कितना निर्दयी है, ये अब दुनिया भली भांति जान गई है। गत वर्ष दुनिया के 90 देश किसी न किसी आतंकवादी घटना के शिकार हुए। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और दूसरी तरफ सैकड़ों मां बाप है जो आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि उनके संतान आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। आतंकवाद किसी देश के सामने चुनौती नहीं है। आतंकवाद किसी भूभाग पर चुनौती नहीं है। आतंकवाद मानवता को चुनौती दे रहा है और इसलिए समय की मांग है कि जो भी मानवता में विश्वास करते हैं, दुनिया की उन सारी शक्तियों ने एकत्र आकर के आतंकवाद से मुकाबला करना होगा। आतंकवाद जितना भयंकर है उससे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि इतने बड़े संकट के बावजूद भी हजारों लोगों निर्दोष लोगों के मौत के बावजूद भी दुनिया इस विकराल रूप को पहचानने में कम पड़ रही है और उसके कारण मानवतावादी शक्तियों में बिखराव नजर आता है। कभी गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, वो जाने अनजाने में आतंकवाद को
एक अलग प्रकार की ताकत पहुंचाता है। और इसलिए समय की मांग है कि दुनिया इस आतंकवाद की भयानकता को समझे। भारत 40 साल से आतंकवाद के कारण परेशान है। युद्ध में भारत ने जितने जवानों को नहीं गंवाया, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों की गोलियों से मरे हैं, शहीद हुए हैं। और भारत जब दुनिया को चीख चीख करके कहता था कि आतंकवाद निर्दोषों के जीवन का दुश्मन बन चुका है, मेरा स्वयं का अनुभव है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमें समझाती थी कि आतंकवाद नहीं है, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन जब धरती पैरों के नीचे से हिलने लगी, तब दुनिया को पता चला कि आतंकवाद क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स में कहा कि भारत 40 साल से आतंकवाद से जूझता आ रहा है, लेकिन जब विदेशों में ऐसी घटनाएं हुई तब पता चला कि आतंक क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स में कहा कि विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं भारत एक नई आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व में भारतीयों ने जीने का हुनर सीख लिया है और अब भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीएम नहीं, सेवक हूं। आइए सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज पूरा विश्व आर्थिक संकटों से भी गुजर रहा है। दुनिया के अच्छे से अच्छे देशों की इकोनॉमी आज हिल चुकी है। ऐसे समय सारी दुनिया एक स्वर से कहती है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, हर कोई एक स्वर से कह रहे हैं कि दुनिया में अगर आज कोई आशा की किरण है, कोई लाइट ऑफ होप है, तो वो सारी दुनिया एक स्वर से कह रही है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। भारत आज विश्व में जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में आज उसने दुनिया में अपनी जगह बना दी है। और ये नसीब के कारण नहीं हुआ है, मोदी के कारण भी नहीं हुआ है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण हुआ है। दुनिया भर में फैले हुए हिंदुस्तानियों के कारण हुआ है। वरना जो देश दो मौसम, दो वर्ष लगातार बारिश कम हुई, सूखा पड़ा और उतना कम था तो बीच बीच में ओले गिरे, ईश्वर ने भरपूर कसौटी की है,
लेकिन उसके बावजूद भी भारत तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है। अगर दिशा सही हो, नीतियां स्पष्ट हो और इससे भी बढ़कर के नियत साफ हो, तो भारत जैसे देश को कोई रोक नहीं सकता है, भारत आगे बढ़ सकता है। कभी कभार बहुत सी चीजें हैं जो शायद आपको टीवी पर देखने को न मिलती हो, अखबार में पढ़ने के लिए न मिलती हो। कभी कभार नरेंद्र मोदी ऐप पर दिखाई देती हो या सोशल मीडिया में दिखाई देती हो, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता चलेगा कि कैसे बदलाव आ रहा है। चीजें इतनी हैं कि मुझे कागज की मदद लेनी पड़ेगी, वैसे मैं थोड़ा कम मैं सिर्फ 2015 का हिसाब दे रहा हूं आप लोगों को, और मैं मानता हूं लोकतंत्र में जनता जनार्दन को हिसाब देना ही मेरा दायित्व है, और मैं अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक मानता हूं। तो आपके सेवक के नाते मेरा दायित्व बनता है मैं आपको हिसाब दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारतीयों की सोच बदल रही है, और ये भारतीयों की सोच में आए बदलाव की वजह से भारत के विकास के रास्ते खुलने लगे हैं। हमारे देश में अमीरों की सरकारें जब होती हैं तो अमीरों को गैस सिलेंडर मिलना, और पहले तो एक जमाना ऐसा था कि गैस सिलेंडर लेना है तो एमपी के यहाँ लोग जाते थे कि साहब जरा सिफारिश करो ना गैस सिलेंडर मिल जाए। 2015 में एक वर्ष में गरीबों को सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर का कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने किया। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार देश के नागरिकों से अपील की थी कि अनाज की कमी है, हम लोग एक टाइम खाना छोड़ दें। और यहाँ कई पुराने जमाने के लोग बैठे होंगे, पूरा हिंदुस्तान सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाता था अनाज बचाने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री की शब्द की वो ताकत थी। मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, कहाँ लाल बहादुर शास्त्री और कहाँ एक चाय बेचने वाला। लेकिन मैंने देश के सामने एक रिक्वेस्ट की, जो संपन्न लोग हैं उन लोगों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए, उन्होंने सरेंडर करनी चाहिए। एक सिलेंडर पर 250 रुपया के लिए क्या रखा है, छोड़ दो। आपको जानकर के खुशी होगी, मेरा इतनी सी बात, और वो भी मैंने कोई बहुत बड़ा कैंपेन नहीं किया था, ऐसी बातों बातों में बता दिया था, हिंदुस्तान में 90 लाख लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी। जब मैं कहता हूं ना देश प्रगति कर रहा है, उसका कारण 125 करोड़ देशवासी है, ये उसका उदाहरण है। 90 लाख लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी।
और 90 लाख लोगों ने, उसमें कोई बहुत बड़े अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य रिटायर्ड टीचर, उसको लगा मोदी जी ने कहा है मुझे छोड़ देना चाहिए, और हमने कहा अगर आप छोड़ते हो तो मैं उस गरीब मां को एक गैस सिलेंडर दूंगा, जो मां लकड़ी के चूल्हे जला करके धुएं में रोटी पकाती है, बच्चों को खिलाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मां चूल्हे में लकड़ी जला करके अगर खाना पकाती है तो एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है, 400 सिगरेट्स। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मां की तबीयत का क्या हाल होता होगा, और उस घर में छोटे छोटे बच्चे उस धुएं के अंदर कैसा गुजारा करते होंगे। इस एक बात ने मुझे बड़ा पीड़ा की और मैंने तय किया कि गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर क्यों ना हो, और उसका परिणाम है कि गत एक वर्ष में आजादी के बाद सबसे ज्यादा गरीबों को गैस सिलेंडर दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स में दिए अपने भाषण में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, उन्होंने रेलवे का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उनके एक कहने पर 90 लाख लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए टू जेड न्यूज़। नमस्कार।